हेलो गाइस, तो मैं सूट कर रही हूँ पार्लर में। आप देख सकते हैं मैं आईब्रो बनाने आई थी, तो थोड़ा सा अच्छा मुझे ये पार्लर लगा। मैंने सोचा सूट कर लिया जाए, काफी दिनों बाद हम कुछ कराने आए हैं आईब्रो। बहुत 1-1.5 महीना हो गया है तब से आईब्रो नहीं बनाई है, एंड थोड़ा सा क्लीन अप करा लेते हैं। मैम 50% डिस्काउंट दे रही है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, साफ सफाई है, नया पार्लर खुला है, 1 वीक भी नहीं हुआ है। 50% ऑफ दे रही है मैम, इसलिए दीदी और मैंने दोनों ने हमने क्लीन अप कराया है। जरूरत तो नहीं थी ज्यादा, बस थोड़ा जो डस्टिंग थी इसलिए हम करा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ की सर्विस मैं आपको दिखा रही हूँ, काफी अच्छी है। जो हल्द्वानी के हैं, उत्तराखंड में हल्द्वानी के हैं, वो आ सकते हैं। ये नैनीताल रोड में संजय कॉलोनी का बोर्ड लगा है, वहीं पे है ये पार्लर। तो हमारे घर से वॉक डिस्टेंस में ही, 500 मीटर भी नहीं है ये, तो हमने सोचा चलिए विजिट किया जाए, कुछ एक्सपीरियंस लेना तो बनता ही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं आज। आप देख सकते हैं काफी अच्छा बनाया है इन्होंने इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पार्लर थे जैसे गली मोहल्ले में होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा बना दिया है। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे पार्लर हैं यहाँ पे, बट हम अपने गली की बात कर रहे हैं, हमारी गली में ही है ये, बिल्कुल रोड में, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं कैबिन बनाए हैं अलग अलग इन्होंने, ये जेंट्स का भी है, यूनिसेक्स है ये, तो यहाँ पे अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। हम लोटस का कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोटस का बैंड लगा रही हूँ। ये दूसरी मैडम है, इन्होंने अच्छे से करा क्लीन अप, बट कुछ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा कि बिल्कुल फेस में चमक आ गई हो, बट हमने गंदगी के किया था, थोड़ा सा ब्लैकहेड्स वगैरह हो रहे थे। फेशियल तो है नहीं है जो इतनी ज्यादा चमक आए, बट मेरा फेस ऑलरेडी साफ है, आप देख सकते हैं। ये आपको मैं ऊपर छत दिखा रही हूँ, ये कैबिन बनाए हुए हैं। दूसरे कैबिन में मेरी सिस्टर है, सिस्टर मेरी दीदी है, और यहाँ पे मेरा हो रहा है। आप देखेंगे पूरे स्टेप क्लियर करे इन्होंने, पहले क्लींजिंग कर रहे हैं अच्छे से, क्लींजिंग चल रही है। और ये बात अच्छी लगी मुझे कि इन्होंने जो ब्लैकहेड्स निकालने के लिए स्टीम भी दी, पूरे फेस में स्टीमर लगा हुआ है किनारे, तो देर में ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप स्क्रब जो है, स्क्रबिंग शुरू हो गई है, स्क्रब लगा लिया है। ऑल प्रोडक्ट जो है ये लोटस के यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी स्टीम आ रही थी, मुझे खांसी भी हो गई थोड़ा ज्यादा आ रही थी फेस में, तो ये अच्छे से स्टीम देके इन्होंने स्क्रबिंग करी। उसके बाद लास्ट में ये मसाज टाइप का है, बट इसमें थोड़ा सा भी पानी यूज नहीं होता है। मैंने इनसे बात भी कर दी थी, इन्होंने कहा पानी यूज नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम इसे लगाते हैं और ये अपना आप ऑयल छोड़ देता है। ये अब आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जिसके एक्ने पिंपल वाली है उसके प्रोडक्ट अलग है, जिसकी नॉर्मल है कॉम्बिनेशन है उसके अलग है। तो ये मेरे नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन जो स्किन होती है, हल्की सी ऑयली भी है, उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो लास्ट में इन्होंने मास्क लगा दिया, ये भी लोटस का है। पूरे जो हमने स्टेप किए हैं सब यहाँ पे लोटस के यूज हो रहे हैं। मैं दीदी के कैबिन में गई थी देखने की उसके स्टेप हो गए नहीं, और मेरा मास्क लगा हुआ ही है। और ये अच्छी बात लगी मुझे कि जो ये मास्क निकाल रहे हैं इसमें इन्होंने पानी का यूज किया और थोड़ा सा इसको ड्राई करा, जो ड्राई हो गया था मतलब इसको थोड़ा वेट किया और रब करके थोड़ा सा निकाला है, उसके बाद क्लीन किया है पूरा। आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा से फटाफट से अपना फेस दिखाया आपको। आपको बिफोर आफ्टर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, बट हाथ लगा के जरूर पता चल रहा है। तो ये हो गया फाइनल, मास्क पहन के जा रहे हैं घर। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मैंने थोड़ा सा दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने स्टेप करे क्लीन अप वगैरह। तो अगर आप भी इधर एरिया के हैं तो आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पार्लर है। डिस्काउंट दे देंगे आपको 50%, क्योंकि 1 वीक ही हुआ है इसे ओपन हुए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।